वन वेलकम बैक टू हमारे ब्लॉग्स कैसे हैं आप लोग सब उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे तो क्या चल रहा है भाई आप लोगों की लाइफ में इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं नाश्ता चल रहा है और नाश्ते में बना लिए थे बस एग्स को फ्राई कर लिया था और हम खा रहे थे और देखें एक एक ही प्लेट में खा रहे थे हमने कंजूसी का मुजाहरा किया कि हम प्लेटें को गंदी नहीं करते बड़ी राइस प्लेट होती है उसके अंदर तीन अंडे आराम से आ जाते हैं तीन के अगर आप चार भी रखेंगे तो चार अंडे भी आ जाएंगे खैर मैं बड़ी प्लेट के अंदर ही निकालती हूँ और हम घर में छः लोग हैं तो हम दो प्लेट्स के अंदर ही निकाल लेते हैं हाँ। जो भी चीज़ निकालनी होती है जैसे कि अंडे वगैरह है ना और एक ही प्लेट में खा लेते हैं उसमें कोई मकाका नहीं और ये कोई कंजूसी की बात नहीं होती अच्छी <laughs> बात होती है अगर आप एक प्लेट में खा रहे हैं अपने बहन भाई के साथ या पेरेंट्स के साथ तो कोई इसमें वो नहीं तमीज़ वाली बात होती है वैसे हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कि तमीज़ से खा रहे होंगे तभी तो दूसरा भी तो बर्दाश्त हाँ वाकई मैं अगर आप तमीज़ से खा रहे तो अच्छा खैर यहाँ पर अम्मी को शाम में बनाना था करेले चने की दाल तो अम्मी ने करेलों को काट के इस तरह से धो के नमक के अंदर धो के और मतलब नमक लगा देती हैं अम्मी फिर उसके बाद उसको वॉश करती हैं फ़ौरन से और फिर उसके बाद हम इस तरह कपड़े पे फैला देती हैं मतलब दस्तखान पे अम्मी ने फैला दिया कि जब ये थोड़े से ड्राई हो जाएंगे ना उसके बाद फिर हम इसको आगे पकाना स्टार्ट करेंगे यहाँ पे अम्मी ने चने की दाल भिगो दी थी और अच्छा ये चने की दाल वग़ैरह जो भिगो दी थी तो प्रोसेस हमारा चल रहा था फिर हुआ ये कि अचानक से हमारे पास कॉल आई मामू की कॉल आई कि आप लोग घर पर हैं आज ना तो फिर मामू आने लगे थे हमारे घर हेलो जी तो अभी हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा डिज़र्ट बना रहे हैं और एक्चुअली ये रेसिपी शूट हो रही है चैनल के लिए भी शूट हो रही है और हमने सोचा कि चलो आज इधर भी शूट करते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरह से डिज़र्ट बन रहा है बहुत ही मज़ेदार सा और अभी हम जल्दी जल्दी में क्यों बना रहे हैं डिज़र्ट वो भी मैं बताती हूँ क्योंकि ना अभी आ गई है हमारे मामू की कॉल और मामू ने कहा भाई हम आ रहे हैं पूरी फैमिली के साथ तो फिर हमने बोला चलो अच्छे से कुछ ना फिर अरेंज भी करते हैं डिज़र्ट तो हमारा प्लान ही था बना ही रहते ऑलरेडी और फिर उसके बाद हमने बोला चलो फिर उस मीठा रेडी जब हो जाएगा ना फिर उसके बाद फिर डिनर की तैयारी भी करनी है तो इसको जल्दी जल्दी से प्रिपेयर करना है ज़ाहिर सी बात है मीठा जब तक ठंडा नहीं हो तब तक मज़ा नहीं आता तो क्या जा रहा है पिया दो चार तो रहा रहा नहीं, नहीं 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 उसमें लेके डालती खैर है।, है हो गया दिख गया पूरा बॉक्स दिख गया। अच्छा खैर इस पर डाल दिया है अब ये ने क्या किया है ये डिज़र्ट बना रही है डिज़र्ट का नाम मैं आपको बता देती हूँ वो बनने जा रहा है गुलाब जामुन ट्रैफल डिलाइट हाँ सॉरी गुलाब जामुन ट्रैफल डिलाइट बनने जा रहा है बहुत ही अमेजिंग वाली रेसिपी है और इसकी जो कंप्लीट रेसिपी है ना वो आपको मिल जाएगी टेस्टी फूड मारिया पे तो वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं वैसे किया क्या है वो तो आपको दिख ही रहा है उसमें केक लगाए हैं और उस पर डाल दिया है कस्टर्ड अब इस पर जाएंगी गुलाब जामुन अभी हाथ में तो दिखा दो हाँ लिखा हुआ है ना डिजर्ट के ऊपर नाम ही लिखा हुआ है गुलाब जामुन डिजर्ट उसपे हम क्या दिखाएं लोगों को मतलब एक बात है कॉमन सेंस गुलाब जामुन गुलाब जामुन होते हैं नहीं नहीं फिर भी तो ये अच्छी खासी गुलाब जामुन हम्म जरा भर के क्योंकि भर के इसी का है एक तरह से आप कह सकते हैं आज बिहाइंड द सीन चल रहा है पूरा <laughs> है ना अब ये क्या चल रहा होता है हाँ, बिहाइंड द सीन ओहो माशाल्लाह जबरदस्त वाला लग रहा है और ये जब ठंडा होगा ना मैं बता रही हूँ ये कितना अमेजिंग होगा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं मैं, मैं नीयत नहीं लगा रही लेकिन मुझे मालूम है ये मतलब कितना कितना ये मुंह में जाके जो घुलेगा क्योंकि इसमें कुछ कड़क कड़क तो चीज़ है ही नहीं ट्रफल है लेकिन इसमें कुछ कड़क कड़क वाली चीज़ नहीं है जाहिर सी बात है अभी ये पूरा ऐड कर दो ना कर तो भाई अब जा रही हैं इस पर ज़बरदस्ती गुलाब जामुन और छोटी वाली गुलाब जामुन जाएंगी अगर अवेलेबल हो तो छोटी वाली डाल सकते हैं नहीं तो जो बड़ी वाली होती है उसको कट करके भी रख सकते हैं फिर देख के हाँ देन दो आ जाएंगे फिर सेंटर में माशाल्लाह 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 बहुत हसीन लग रहा है अब जाएगा इस पर पिस्ता मीठे की शान <laughs> तो देखिए जी हमारा शानदार सा गुलाब जामुन ट्रैफल डिलाइट रेडी हो चुका है और मतलब ये ना आपकी दावतों की शान बढ़ा देगा कसम से इतना लजीज़ बन के तैयार हुआ था अच्छा जी ये रेडी हो गया था जैसे कि आप क्या बता रही थी कि मामू की कॉल आ गई थी और मामू आ रहे थे तो फिर हमने ना जल्दी से थोड़ी बहुत तैयारी पहले से करनी स्टार्ट कर दी थी। यार हम लोग वीडियो अपनी शूट करने जा ही रहते एक तरह से ना आज को बनानी थी शाम के टाइम पे तो मामू की कॉल आई तो मैंने कहा चलो यार जल्दी से बना लेते हैं और किसी काम में नहीं लगते हम वही सर्व भी कर देंगे क्योंकि हमारे बड़ा ये रहता है कि इतना सारा मीठा बना लिया है तो उसे खाएगा कौन क्योंकि नहीं खाया जाता है फिर भी नहीं खाया जाता तो मोस्टली क्या होता है मैं देती हूं, वो इतना नहीं खाया जा रहा होता है हमारे घर तो मैंने कहा जल्दी से बना लेती हूँ वो हमने बना लिया था इतने में आप लोग देख रहे होंगे हम समोसे निकाल रहे हैं तो मामू आ गए थे मामू वगैरह लेकर आए थे और फिर मैंने जल्दी से चाय बना

पाँच बजे के करीब कॉल आई थी हाँ। कि आप लोग घर पे हैं तो हम लोग आ रहे हैं तो हमने कहा चले आप आ जाएं और तो फिर मैंने क्या किया था मैंने ना गोश्त निकाला था बीफ का और मैंने उसको गलाने के लिए रख दिया था मतलब प्रेशर कुकर में सिर्फ लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करके और कुछ भी नहीं ऐड किया था उसके अंदर और मैंने कहा यार ये गुला गला लूँ तो उससे क्या होगा कि यार खाना बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि हमें नहीं पता था मामू कब तक आएँगे छः बजे तक आएँगे कि सात बजे तक आएँगे क्योंकि निकलने में घर से टाइम तो लगता ही है जबकि दस मिनट की दूरी पर घर है तो खैर बच्चों आ, के साथ आना होता तो हो है तो जाहिर सी बात है आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है देर तो हो ही जाती है उनके बच्चे छोटे हैं तो खैर मामू आ गए थे और ये तकरीबन सात बजे का टाइम है हम लोगों ने समोसा वगैरह चाय वगैरह ये सब चीज़ें सर्व करी और यहीं पे बैठे बैठे ना हमें तकरीबन आप कह लें साढ़े सात बज गए थे आठ बजे आठ बजे हम उठ के किचन में गए हैं खाना वगैरह बनाने के लिए ना हाँ तो उससे खाना पहले हम बनाने के लिए उससे पहले हम डिसाइड कर चुके थे कि हमने क्या क्या बनाना है तो हमने सोचा था कि हम पास्ता बना लेंगे जो कि बच्चे शौक से खा लेते हैं और फिर हमने जो राइस का एक ऑप्शन होता है ना तो उसमें हमने सोचा था कि हम प्लाव बना लेंगे क्योंकि लास्ट टाइम जब मामू आए थे ना तब हमने बिरयानी बनाई थी तो हमारा ना हर बार यही होता है जो जो भी कोई आ रहा है लास्ट टाइम उसको सर्व क्या किया था देन फिर वो सोचते सोचते हुए हाँ। हम उस दूसरे बार का ना मेन्यू डिसाइड करते हैं हाँ। कि हमने जो चीज़ सर्व की थी दोबारा हम वो नहीं बनाए कुछ नया बना लेते हैं कुछ डिफरेंट बना लेते हैं तो खैर यहाँ पे डिफरेंट तो नहीं बनाया था क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम था तो बस वही कॉमन वाली चीज़ें ही बनाई थी लेकिन फिर एक लग लगड़े बना ली थी टाइम ये वाली हमारी कोशिश होती है जो लास्ट टाइम जो मेन्यू रखा था ना उससे बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए हाँ उससे डिफरेंट होना चाहिए सेम वो चीज़ें नहीं कि मतलब वही बिरयानी और वही कोरमा या वही कढ़ाई ऐसा नहीं होना चाहिए अच्छा खैर यहाँ पर क्या कहते हैं मैक्रोनी के लिए हुआ क्या था मैं ना चिकन निकालना भूल गई थी मुझे बोनलेस चिकन निकालना था तो खैर हमने वेज मै मैक्रोनी बना ली थी इधर मैंने चिकन मंगा लिया था एक किलो के बराबर चिकन है और ऑयल के अंदर मैंने क्या किया था लहसन अदरक का पेस्ट ऐड किया था और चिकन को फ़्राई करने के लिए रख दिया था अच्छा यहाँ पर भी मैंने चे क्या कहते हैं चेंज करी थी अपनी रेसिपी क्योंकि मैं बना रही थी तिक्का मसाला तो बच्चों ने पूछा तिक्का मसा मामू ने पूछा क्या बना रही हूँ मैंने कहा तिक्का मसाला बनाऊँगी चिकन के साथ ना तो कहने लगे यार मत बनाओ अभी तुम्हारी मामी ने बनाया था दो दिन तक खिलाया है मुझे ना तो मैं नहीं खा रहा तो मैंने कहा चलें ठीक है फिर मैं ना अच्छी सी कढ़ाई बना लेती हूँ कि कढ़ाई तो मुझे पता है मर्द दरअसल आपको पता है ना कितना शौक से खाते हैं कितनी भी खिला दो तो इधर मैं कढ़ाई बनानी स्टार्ट कर दी थी नहीं तो मेरा इरादा था टा मसाला बनाने का जो थोड़ा ड्राई टाइप का बनता है ना तो खैर यहाँ पर कढ़ाई के लिए मैंने ये लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करके आ, चिकन को थोड़ा सा फ्राई कर लिया था उसके बाद मैंने टमाटर ऐड किया और फिर मेरी नज़र पड़ी घड़ी की तरफ मैंने कहा यार ये मैं प्रोसेस लंबा नहीं करती इसको मैं शॉर्ट कर देती हूँ नहीं तो आइडियली क्या करती मैं टमाटर को गलाती मतलब चिकन के साथ उसके बाद फिर बाकी का प्रोसेस करती मसाले वगैरह या प्याज़ वग़ैरह ऐड करती ना तो खैर मैंने इधर इसको मिक्स किया मिक्स करते करते जब मेरी नज़र पड़ी ना तो मैंने कहा जोया मैं इसी को यहीं पर सारी चीज़ें ऐड कर तो ये झटपट वाली हमारी कढ़ाई तैयार हो जाएगी तो यहां पर तली हुई प्याज रखी थी मेरे पास तो मैंने तकरीबन आधा कप के बराबर इसमें तली हुई प्याज ऐड कर दी क्योंकि हम सब लोग ग्रेवी वाला खाना खाना पसंद करते हैं बिल्कुल ड्राई नहीं खाना पसंद करते कोई भी नहीं खाना पसंद करता खैर यहां पर मैंने इसलिए इसके अंदर प्याज ऐड कर दी है उसके बाद में इसके अंदर मसाले ऐड कर दूंगी अच्छा कढ़ाई में बहुत बेसिक से मसाले जाते हैं जैसे कि लाल मिर्च पाउडर हल्दी पाउडर जीरा पाउडर काली मिर्चों का पाउडर और नमक ऐड किया है मैंने इसके अंदर बस ये ऐड करके अब मैं इसको क्या करूँगा मिक्स करके पकने के लिए रख दूंगी चिकन अपना पानी छोड़ेगी और टमाटर जो सॉफ्ट होंगे उनमें से पानी जो भी थोड़ा बहुत रिलीज़ होगा तो ये चिकन जो है ना हमारा ना ये उसी के अंदर गल जाएगा लेकिन इसमें मैंने क्या किया था वन फोर्थ कप पानी बीच में ऐड कर दिया था क्योंकि मैं दूसरी रेसिपी पे काम कर रही थी मुझे ये था कि यार ये जल ना जाए मतलब ऐसा ना हो कि मेरा ध्यान हटे और ये जल जाए जबकि हम लोग किचन में ही खड़े हुए थे लेकिन फिर भी ऐसा होता है ना कि अगर एक स्टोव पे हमारा ध्यान होता है तो दूसरे पे ना नज़र पड़ पड़ती नहीं है क्योंकि अगर आप एक चीज़ में बिजी हो गए तो खैर यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड करवा दिया था मैंने जोया से मैंने कहा इसको ऐड करो और उसके बाद इसको कवर करके छोड़ दो पकने के लिए इतनी टमाटर वगैरह सॉफ्ट हो जाएंगे एक अच्छी सी ग्रेवी बन जाएगी इसकी ना तो इसने खुद नहीं पकना है बस आपसे सोन सान के चढ़ा देना है इसको ना हाँ। इस तरह से करना है इस तरह से तैयार तैयार हो जाएगी अच्छी सी इसके बाद अपिया ने जल्दी से पास्ता रेडी कर लिया था क्योंकि अपिया को ये था कि ना जल्दी से ये रेडी करूँ ताकि फिर पुलाव की भी बारी आए हाँ फिर पुलाव भी बनाना था मुझे तो बस थोड़े से तेल के अंदर मैंने इधर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया इसको मैं फ्राई करूँगी अच्छा हुआ ये था कि मैंने जब इसको फ्राई कर रही थी ना तब मुझे ख्याल आया मैंने तो चिकन निकाला ही नहीं क्योंकि वेजिटेबल्स मैंने जोए को बोल दिया था कट करने के लिए और फिर जुए ने कहा क्या करे मैंने कहा अब छोड़ो हम ना खाली वेजिटेबल वाली बना मैक्रोनी <laughs> बल्कि बच्चों, बच्चों को क्या? क्या पता चलेगा <laughs> <laughs> बाकी भी यही बात हुई थी अपनी ने बोला कोई बात नहीं चलो वेजिटेबल्स तो है देर लगती है और वो उसका जो पैकेट था वो काफी अंदर फ्रीज हुआ हुआ था तो उस, उसको निकालने में काफी यार टीफ रॉस होने में इसको काफी टाइम लग गया था तो इस वजह से हमने कहा चलो छोड़ो कोई बात नहीं हम वेज वाली बना लेते हैं अच्छा आज ना मैं यूज करने वाली थी मेरी नजर पड़ी थी घर में रखे हुए थे शान के मसाले जो मैं चाइनीज वाले लेकर आई थी जिसमें एक था आई थिंक मंचूरियन का था और एक मेरे पास था चाउमिन चाउमिन वाला ना तो चाउमिन वाला मसाला मैंने निकाल लिया था और मैंने सोचा आज ये मैं यूज कर लेती हूँ तो और हमें भी पता चल जाएगा उसका टेस्ट कैसा है तो आज मैं ये वाला मसाला यूज करने वाली हूँ और इसका मैं आपको टेस्ट बताऊं बनने के बाद जो मैंने टेस्ट किया था ना तो आप कह लें मेरी तरफ से मैं इसको दोबारा नहीं बाय करने वाली हूँ <laughs> मतलब दोबारा नहीं खरीदूंगी मुझे कोई इतना अच्छा नहीं लगा बहुत बुरा नहीं था लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं था कि इसको खरीदा जाए तो खैर ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो बेसिक वाले होते हैं ना बच्चियाँ जो होती हैं के या जिनको खाना बच्चियों की बात नहीं है बड़ों लोगों को भी खाना नहीं बनाना रह, आता बहुत सारे लोगों को नहीं आता और इसमें बुरा नहीं मानिएगा ये हकीकत बात है तो जिन लोगों को ज़ायका निकालना नहीं आता ये उन लोगों के लिए अच्छा है मसाला के शॉर्टकट है आपने मसाला ऐड किया और कुछ भी नहीं ऐड करना है अच्छा यहाँ पर मैंने ना ये हाफ़ पैकेट मसाला ऐड कर दिया था और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा सोया सॉस और कैचअप ऐड किया था और इसको मैंने मिक्स कर दिया अच्छा जब इसको मिक्स कर रहे थे तो इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी नो डाउट बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी लेकिन जब इसको मैंने चखा तो मुझे फ़ील हुआ कि इसके अंदर मुझे थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड करना चाहिए और थोड़ा सा मैंने नमक ऐड किया था अच्छा

तो वो मिर्ची नहीं खाते बिल्कुल भी स्पाइस लेवल इन लोगों का बहुत ज़्यादा कम है ना मतलब ये लोग घर के बड़े भी नहीं खाते तो बच्चे भी नहीं खाते तो इस वजह से मैंने इसमें ज़्यादा कुछ ऐड नहीं किया क्योंकि उन्हीं के हिसाब से बत, बनाई थी ताकि ज़रा ना वो सुकून से खा लें बच्चे ने अगर कुछ ना पसंद आए तो ये तो खा ही लें एटलीस्ट तो खैर यहाँ पर ये रेडी हो गई थी और इस टाइम पर फिर चक्के अपिया ने जब देखा था तो फिर इसमें काली मिर्च ऐड कर दी थी और थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कम लग रहा था तो बस वही ऐड किया था अपिया का जो कहना का मकसद ये है ना कि ये दोबारा बाई नहीं करेंगी वो इस हम लोग चाउमीन वगैरह बनाते हैं 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 तो वैसे ही उसका टेस्ट हम कर लेते लेते उसके फ्लेवर्स फ्लेवर्स निकाल लेते हैं। जिनको ये वाले फ्लेवर्स निकालने नहीं आते ना उनके लिए शॉर्टकट आइडियल है ये वाला मसाला लेकिन क्या कहते हैं जिनको नहीं आते निकालने ये वाले चाइनीज वाले मसाले जो आ, मतलब फ्लेवर्स है वो नहीं निकालने आते सही तरीके से तो ये उनके लिए तो खैर आइडियल है और जिनको आते उनके लिए नहीं उनको नहीं समझ में आएगा जैसे कि हमें भी नहीं समझ में आया क्योंकि हम नॉर्मल घर में जो बनाते हैं वो बहुत जायकेदार बन के तैयार होता है हाँ। बन इस अगर हम कंपेयर करें इसको तो बाकी तो खैर बस आप इसका, इसका इससे काम चला सकते हैं अब दूसरा वाला मसाला भी मैं यूज़ करूंगी तो आपको बताऊंगी <laughs> वो कैसा है। वो रखा हुआ है मंचूरियन मंचूरियन का है तो खैर वो भी इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो आपके साथ शेयर करेंगे कि उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा अच्छा यहाँ पे कढ़ाई ऑलमोस्ट तैयार होने वाली थी तो अब यह ने इसके अंदर एड कर दिया है धनिया और जीरा कुटा हुआ बुना हुआ टू टेबल के बराबर टू टेबल मैंने ऐड कर दिया था उसके बाद हरी मिर्ची और अदरक ऐड कर दी थी मैंने इसके अंदर और कोयला मैंने साथ में ना इसको दहकाने के लिए रख दिया था ठीक है ताकि वो अच्छे से जल जाए तो मैं इसके ऊपर स्मोक दे लूँ तो ये कोयला कढ़ाई हमारी बन तैयार हो जाएगी तो बस कोयले का इसके अंदर स्मोक आ जाएगा तो कोयला कढ़ाई बन जाएगी इसका हाँ, टेस्ट बड़ा अच्छा आ जाता है और ये देखें कितनी शॉर्टकट वाली रेसिपी बन तैयार हुई वरना वाकई अपिया ना इस प्रोसेस में थी कि टमाटर का पानी खुश करूंगी फिर ये मतलब एक जो कढ़ाई का प्रोसेस होता है ना कि पहले टमाटर के साथ आप पकने के लिए रख देते हैं गोश्त को उसके बाद आप मसाले वगैरह तो वो स्टेप बाय स्टेप काम चलता है तो यहाँ मैंने घर वाला तरीका किया कि सुनसान के सारा चढ़ा दिया और वो रेडी हो जाएगी हमारी कढ़ाई खैर वो हमारी कढ़ाई मैंने उसमें हरी मिर्ची वगैरह ऐड करके ना उसको दम पे रख दिया था यहाँ पर मैं आ गई थी जल्दी से पुलाओ की तरफ मुझे ये था कि यार बस मैं जल्दी खाना सर्व कर दूँ ना तो खैर पुलाव के लिए मैंने प्याज फ्राई करने रख दी थी उसके बाद मैंने गर्म मसाला निकाल लिया था जिसके अंदर हमारे पास तेज़ है तेज है काली इलायची है हरी इलायची है दालचीनी के कुछ टुकड़े हैं जो कि काफी चूर हुए हुए हैं और बादियन के फूल है लौंगे ले ली मैंने और काली मिर्च काली मिर्चे हैं जीरा, जीरा है कुटी हुई लाल मिर्चे हरी मिर्चे ऐड करूंगी इसके अंदर और इसके अलावा एक अदद बड़े साइज़ का टमाटर ऐड करूंगी अच्छा ये जो पुलाव बनने वाला था ये जो देगी पुलाव होता है वो वाला बनने जा रहा था और इसके अंदर अप यह अमूमन ना हरी मिर्चें पीस के डालती हैं अभी यूं पीस के नहीं डाल रहे थे क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मामू की फैमिली ज़्यादा स्पाइसिस नहीं पसंद करते बस नॉर्मल वाला स्पाइस लेवल है उनका, इसमें भी हाँ। उनको मिर्चें लग रही थी ये वाले पुलाव में भी हाँ वाकई खैर इस वजह से मैंने इसके अंदर पीस के नहीं डाली थी हरी मिर्चें यहाँ पर मैंने ना प्याज ना हमारी आप कह लें हल्की सी बस गोल्डन की तरफ जाना स्टार्ट हुई थी तो मैंने गरम मसाला ऐड किया और मुझे ये था मैं गरम मसाले का थोड़ा अच्छा सा ना भुना हुआ ना फ्लेवर निकाल दूं जो तो कि आया भी था इसके अंदर तो मैंने क्या किया था जब प्याज लाल होने से पहले ही मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया था और उसको मैंने जब तक फ्राई किया कि जब तक क्या कहते हैं प्याज जो है ना थोड़ी गोल्डन नहीं होने लगी और यहाँ पर मैंने एक रिस्की काम किया था वो ये था कि मैंने हरी मिर्ची ऐड कर दी थी तेल के अंदर और आप इस तरह से हरी मिर्चें ऐड कर देते हैं ना तेल के अंदर तो वो फटना स्टार्ट हो जाती हैं तो काफ़ी डेंजरस होता है आप लोग नहीं करेगा हल्का सा स्लेट करिएगा उसके बाद ऐड करिएगा अगर आपको करनी है तो यहाँ पर ये मैंने इसलिए ऐड करी थी कि मुझे ना हरी मिर्च का एक फ़्राई वाला जो फ्लेवर होता है ना वो पुलाव में चाहिए था तो मैंने इसलिए बस चंद सेकेंड के लिए फ़्राई किया था हरी मिर्चों को लसन अदरक के बाद हाँ उसके बाद मैंने लसन अदरक का पेस्ट ऐड करके जल्दी से मैंने ना इसको मतलब ये वाला काम मैंने जल्दी अली किया था जल्दी से भून लिया था फिर नमक ऐड कर दिया था और उसके बाद मैंने टमाटर ऐड किए यहाँ पे मिर्ची बस फटनी स्टार्ट होने वाली थी मैंने जल्दी जल्दी से और सोया का और घर वालों का बुरा हाल हो गया था क्योंकि उसके अंदर से जो घास निकली थी ना मिर्ची फ्राई <laughs> होने के बाद वो बहुत तेज थी तेज थी लेकिन जो फ्लेवर निकला था ना उसके बाद <laughs> यार <laughs> उसके बाद उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आया था लेकिन मैंने इसको स्लेट इसलिए नहीं करा था क्योंकि ये लोग ना ज्यादा स्पाइसी नहीं खाते इस वजह से नहीं किया था नहीं तो आप लोग स्लेट करके ऐड कर सकते हैं अच्छा यहाँ पर मैंने राइस मसाला ऐड किया है अक्सर लोग पूछते हैं ये राइस मसाला क्या है आपने कैसे बनाया है तो यार मैं जिन जो नए वाले हैं हमारे सब्सक्राइबर्स उनको बता दूं ये राइस मसाला मैंने ऐसे बनाया है कि हमारे घर में जो भी राइस के जो रेडीमेड मसाले वो आते हैं ना मतलब हम ख़रीदते नहीं हैं और वो वैसे ही अगर आ जाते हैं गिफ्ट के तौर पर कैचअप के साथ लगे हुए होते हैं तो ये हो रहा था कि हमारे घर में ये ख़राब हो रहे थे मसाले ना तो मैंने क्या करा इन सबको एक जार के अंदर मिक्स करके रख दिया जिसके अंदर मंदी मसाला है इसमें पुलाव मसाला है इसमें बॉम्बे बिरयानी मसाला है है, तो सबको मिक्स करके रख दिया उसमें हमने लिख दिया राइस मसाला अब कभी मैं इसको प्लाव में ऐड करती हूं कभी मैं इसको बिरयानी में ऐड कर देती हूँ कभी घर में आप नॉर्मल तहारी बना रहे हैं या आलू वाले चावल बना रहे हैं आप उसमें भी ऐड कर सकते हैं हाँ जो ये जितने राइस मसाला होते हैं ना बिरयानी मसाला बॉम्बे बिरयानी मसाला सिंधी बिरयानी मसाला इन सबको आपको मिला के एटलीस्ट दो से तीन मसाले को, को मिला ना के मिला के रख दें हाँ। तो ये आपका राइस मसाला रेडी हो जाएगा एटलीस्ट पुलाव और बिरयानी का मसाला ज़रूर उसमें मिलाइएगा ताकि उसमें ना दोनों तरह के फ्लेवर्स हों तो राइस मसाला परफेक्ट बन के तैयार हो जाता है और और आप किसी भी चीज़ में किसी भी, भी राइस वाली चीज़ में आप लोग ना इसको यूज़ कर सकते हैं बासानी अच्छा वहाँ पर ना प्लाओ में मैंने गोश्त ऐड कर दिया था जो कि पहले से गला हुआ था उसको मिक्स करके यखनी भी ऐड कर दी थी अब यहाँ पर मैं ना कोई लोग कोयला रख रही हूँ प्लेट इसलिए रखी थी क्योंकि कोयला काफ़ी बड़े साइज़ का था और इसके ऊपर मैंने यही जो क्या कहते हैं सालन का ऑयल था ना वही डाल दिया था और इसको मैं कवर करके छोड़ दूंगी 10 से 15 मिनट के लिए जब तक कि इसमें से धुआं उठना ख़ुद बंद नहीं हो जाता जब तक आपने छोड़ देना है हाँ ताकि पूरा का पूरा स्मोक ना चला जाए और कढ़ाई के अंदर और ज़बरदस्त अरोमा बन के तैयार हो जाता है अच्छा जी यहाँ पर देखें इसका लुक पुलाव का मतलब इसकी जो यखनी है इतनी अमेजिंग लग रही थी इस टाइम पर बड़ी मज़ेदार मतलब टेस्टी सी लग रही थी और बस ये रेडी हो गई है अब आप ये डाल देंगे इसमें चावल चावल कितने थे तकरीबन एक किलो गोश्त था तो एक किलो ही चावल लिए थे मैंने और हड्डी वाला गोश्त अच्छा ये तो बस ये ऐड कर दिए हैं और थोड़ा सा पानी भी ऐड किया था यखनी के अलावा मैंने जब ये अच्छे से पक गया तब मैंने चावल ऐड कर दिए अब बस वही प्रोसेस जो चावल को आप पकने का इंतजार करना है और क्या कहते हैं अच्छा हमारे पास ना बिरयानी वाले और पुलाव वाले चावल ख़त्म हो गए थे तो आज जो पुलाव बना था ना जो रेगुलर वाले घर वाले चावल होते हैं ना उसी के साथ बनाता प्लाव हाँ। ना तो मुझे ना ये बड़ा रिस्की लगता है उसके साथ बनाना क्योंकि खुशका तो बड़ा अच्छा बन जाता है खुशका मतलब वाइट राइस तो बड़े अच्छे बन जाते हैं उससे लेकिन ये पुलाव बिरयानी ना बड़ा ना रिस्की हो जाती है

मतलब ये गला हुआ रखा हुआ था तो तभी मतलब रखा हुआ नहीं था मैंने छः बजे ही चढ़ा दिया था इसको ताकि गल जाए एक डेढ़ घंटे का प्रोसेस होता है गोश्त गलने का और अगर गोश्त गला हुआ है ना आपके पास तो आप आसानी से ना कोई भी चीज़ ईज़िली बना सकते हैं मतलब अगर कढ़ाई भी बनानी है गोश्त गला हुआ रखा है तो आपने फिर उसके बाद दस से पंद्रह मिनट का प्रोसेस रह जाता है मसाला वगैरह बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता अच्छा खैर हमारा पुलाव वग़ैरह बन तैयार हो गया था और इसमें मैं इतनी कन्फ्यूज हो रही थी बनाते हुए मैंने कहा अम्मी मैं आप पानी देख लें क्योंकि ये वाले चावल ना मैं बहुत अरसे बाद बना रही थी घर में ना मतलब वाइट राइस तो हम, हम बनाते हैं उसमें तो कोई गलती होती नहीं लेकिन प्लाव के साथ में बड़े अरसे बाद बना रही थी और ये वो रेगुलर वाले राइस हैं जो घर में इस्तेमाल होते हैं अच्छा आजकल मुझे थाल में सर्व करना बड़ा अच्छा लग रहा है और क्या कहते हैं जब भी कोई आता है ना मैं अम्मी से कहती हूँ अम्मी में थाल में निकाल लूँ ईजी रहेगा ईजी इसलिए रहता है अगर आप ट्रे में निकालें ना तो ये होता है कि आपने दो ट्रे निकालनी होती हैं राइस की और वो राइस बड़ी जल्दी ठंडे भी हो जाते हैं यहाँ पर ये होता है कि एक ही थाल के अंदर आपने अच्छे से निकाल लिया और थाल के अंदर गर्म रहते हैं चावल ट्रे में जल्दी ठंडे हो जाते हैं हाँ. तो मैंने ये चीज़ नोट करी अच्छा इसको सर्व किया और ऊपर से हमने थोड़ी सी तली हुई प्याज ऐड कर दी जो तो कि मेरे अबू को बड़ी पसंद है उन्हें खाने बड़ी पसंद है हाँ, साथ ने में ने हमने खीरा कट कर लिया था साथ में हमने रायता बना लिया था जल्दी जल्दी से और मीठा तो आपको पता ही है पहले से रेडी था मीठा रेडी था और पता है इन इन सब प्रोसेस के दरमियान मतलब जब तक कुकिंग चल रही थी तो इस प्रोसेस में हमने अपने मीठे की प्रेजेंटेशन भी थी जरा कमाल तो देखा क्योंकि मीठा जो था मैंने अपने मेन चैनल के लिए रिकॉर्ड किया था और उसकी प्रेजेंटेशन मतलब जाहिर सी बात है जब सेट हो जाता है तो उसके बाद ही हम प्रेजेंटेशन देते हैं तो उसकी प्रेजेंटेशन देनी भी जरूरी थी तो खैर हमने सब बच्चों को बिठाया जरा सुकून से बैठो और उसके बाद के वो ये है ना कि हमारे ट्राई वगैरह होते हैं सारे चार से पाँच ट्राई होते हैं तो वो गिर ना जाए कुछ हो ना जाए तो इस वजह से हम लोगों ने उनको बिठाया बच्चे खामोशी से शराबत के साथ बैठ गए और फिर हमने जल्दी से अपनी ना आप कहें वीडियो, वीडियो फाइनल किया हाँ बिल्कुल।, बिल्कुल और फिर लगा दिया था जी दस्तर खान और फिर सबको बुला लिया था आ जाओ जी रोटी <laughs> खुल गई रोटी खुल गई तो खैर हमारी ना शानदार वाली दावत हो गई थी बहुत ही और अचानक वाली भी दावत कह सकते हैं क्योंकि मामों ने शाम में ही कॉल की और फिर शाम के बाद ही हमने सब कुछ अरेंज करना स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सही टाइम पे सब कुछ मतलब डिनर के टाइम मतलब तक हमने गया दस बजे तक सब कुछ सर्व कर दिया था अल्लाह का शुक्र है और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा असल में हम दोनों मिल काम कर रहे होते हैं और बैक पे ये होता है हाँ। कि अम्मी भी हमारी थोड़ी बहुत हेल्प करा रही होती हैं जैसे कि अम्मी ने चावल चुन दिए थे और फिर हम काम कर रहे होते हैं तो फिर अम्मी आती हैं दिल्ली से पीछे से बर्तन थोड़े से वॉश करके चली जाती हैं या मतलब जो जो चीजें गंदी हुई होती हैं ना उनको जल्दी से वो कर देती हैं तो इस वजह से हम तीनों मिल काम कर रहे होते हैं तो जल्दी जल्दी हो भी जाते हैं किसी एक बंदे का काम नहीं होता और हर काम में ना आप कह लें टीम वर्क होता है हाँ। जहां टीम वर्क होता है वहां पे आपको ना कामयाबी मिलती है क्योंकि आप जब ना एक साथ मिलके काम करते हैं ना तो काम जल्दी भी हो जाता है और अच्छा भी हो जाता है हाँ बाकी और हाँ बोलते हैं ना आपकी तीन हाथ मिलते हैं चार हाथ मिलते हैं तो उसमें बरकत भी बड़ी होती बिल्कुल। है बिल्कुल तो खैर हमने खाना वाना खा लिया था और फिर उसके बाद बारी आई हमारी डिजर्ट की जिसके लिए सब बेकरार थे क्योंकि सबको बहुत अट्रेक्टिव लग रहा था सबने पहली बार देखा था कि गुलाब जामुन ट्रैफल है भाई <laughs> बच्चे बहुत एक्साइटेड थे और बाकी बच्चों को बहुत पसंद आया बच्चों को क्या सबको बहुत पसंद अच्छा लगा और बाकी मैं अच्छा बना हुआ था आप जो लोग मीठे के शौकीन है या मिठाई के शौकीन है तो उन लोगों को तो ये बहुत अच्छा लगेगा और मतलब एक डिफरेंट सा है आप किसी भी मिठाई के साथ बना सकते हैं मैंने गुलाब जामुन के साथ बनाया था और आप चाहे तो किसी भी मिठाई के साथ बना सकते हैं हाँ, कोई सी भी मिठाई अगर घर में आई हुई है हाँ, उसके साथ आप बनाएं और उसको क्रिएट करें और दें भाई जबरदस्त मीठा बन के हमने क्रिएट किया है और इस मीठे को ना हमने ठंडा ठंडा सर्व किया था मतलब खाने से एक घंटा पहले हमने क्या किया था कि इसको हमने फ्रीजर में रख दिया था ताकि ना अच्छा सा ठंडा हो जाए और ठंडा ठंडा ही बहुत मजेदार लग रहा था ये हाँ मतलब अभी मतलब इसको ना जमाएगा नहीं वरना गुलाब जामुन जाहिर सी बात है उसका शीरा जम जाएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा बस इतना होना चाहिए कि बिल्कुल चिल्ड हो जाए लेकिन जमे भी नहीं कंडीशन तक रखे जमना नहीं चाहिए क्योंकि आपको पता है ना मिठाई बहुत ज्यादा फ्रीज होने के बाद ना वो अजीब सी हो जाती है लेकिन ये कि बस अच्छा ठंडा होना चाहिए फिर आप सर्व करें तो बहुत मजा आएगा इसको खाने में मतलब और अच्छा सब ये वाला मैं ये गारंटी ले रही हूँ ये वाला मीठा बनाएंगे ना अपनी दावतों में तो आपके मेहमान ना बस तारीफे करते रह जाएंगे क्योंकि इतना लजीज और इसमें ना कुछ है ही नहीं चबाने वाला ये तो मुंह में जाके यूँ घुल रहा था वाकई में और ये बहुत जल्दी भी बन गया था मतलब आप कह लें आप इसको टैन मिनट डिजर्ट कह सकते हैं इसमें कुछ नहीं करना है बस कस्टर्ड पकाना लेयरिंग करनी होता यार बस बहुत जल्दी तैयार हो गया था ये और बस खाना वाना खाने के बाद सब अल्लाह हाफिज़ कह के अलविदा कर रहे थे लेकिन फिर भी हमारी तो आखिर टाइम तक देखिए खड़े होके बातें जो चल रही होती है ना वो भले गेट पर हो रही हो या कमरे में हो रही हो वो खड़े होके जो एंड वाली बातें होती है ना वो तो ज़्यादा मज़ेदार होती है और बस इसी के साथ कर देंगे आज के ब्लॉग को एंड आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा थैंक यू फॉर हाफिज़